मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप TV20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। खबर आजमगढ़ से है, जहां आपको बता दें कि विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि 22 अप्रैल के अवसर पर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में वेस्ट इंडिया और अर्थ डे नेटवर्क के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यालय के बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्य प्रवक्ता पर्यावरणविद राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्य मनुष्य अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति से धरती और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। उसके लिए अतिदोहन मेवा लगा हुआ है, इससे प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, पेड़ पौधे समेत अन्य प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करता जा रहा है, जिसका खामियाजा जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। अतः हमें अपनी धरती को बचाना ही होगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण, जलीय स्रोतों से सुरक्षित करना, कार्बोत्सर्जन कम करना और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना इत्यादि होगा। इस अवसर पर समस्त शिक्षकों और बच्चों ने मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित रखने की शपथ भी ली। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक अजय कुमार मिश्रा तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रबंधक का रहा। थाना बदरियागंज पुलिस ने वाट प्रॉपर्टी के लालच में पत्नी की हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वादी अकबर अली पुत्र रुजीत मियां निवासी का गंजीपुर थाना गंजीपुर जनपद गाजीपुर द्वारा थाने पर आकर लिखित दर्ज दिया गया था कि वादी की बहन शकीला बानो के साथ वर्ष 1994 में अभियुक्त बदरुद्दीन पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद यासीन ग्रामची थाना बदरियागंज जनपद आजमगढ़ से हुई थी, जिनसे 4 पुत्रियां पैदा हुई। लड़का न होने के कारण अभियुक्त द्वारा दूसरी शादी करने व पीड़िता की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाने के चक्कर में अभियुक्त द्वारा वादी की बहन की दिनांक 24 अगस्त 2022 मारपीट कर अगला दबाकर हत्या कर दी गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाने में एक मुकदमा लिखा गया था, अकबर अली ने लिखवाया था ये, कि उनकी बहन शकीला बानो को, जिनकी शादी 1994 में हुई है, उनको उनके पति बदरुद्दीन, ये ग्राम छिही थाना बिलरियागंज के रहने वाले हैं, इन्होंने हत्या कर दी। इनकी हत्या का कारण ये बताया गया कि लड़का नहीं था, 4 लड़कियां थीं और दूसरी शादी करनी थी इनको। पीड़िता की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाने के चक्कर में इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस प्रकरण में पोस्टमार्टम हुआ था और विसरा प्रजर्व हुआ था। विसरा रिपोर्ट में विष पाए जाने की पुष्टि होने पर आज अभियुक्त बदरुद्दीन को 24 तारीख को गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायालय में चालान करके जेल भेज दिया गया है। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। इस पर एक निर्देश पर सरायमेर पुलिस को सफलता मिली है। बता दें कि 23 अप्रैल 2023 को वादनी थाना सरायमेर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर एक तहरीर दिया गया कि अभियुक्त गोलू उपाध्याय उर्फ दिव्यांश पुत्र देवी उपाध्याय निवासी बर्मा रसूलपुर थाना सरायमेर जनपद आजमगढ़, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, द्वारा वादिनी की नाबालिग बहन जिसकी उम्र 17 वर्ष से मोबाइल पर बातचीत किया गया तथा बेला फुसलाकर लगातार कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया व असली फोटो खींच लिया गया, जिसकी जानकारी वादिनी को होने पर जब वादिनी द्वारा अभियुक्त से पूछा गया तो पूछे जाने पर अभियुक्त द्वारा आवादिनी को जान से मारने की धमकी दी गई और असली फोटो और वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल कर देने की धमकी दी गई। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आज उसे गिरफ्तार कर लिया। किसानों को कुटरचित प्रकार से फसल बीमा दावों के भुगतान करने वाले गलत पंजीकरण कराकर लगभग 7,39,753 रुपए भुगतान कराने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए। बता दें कि कंद्रापुर पुलिस ने वादी प्रवाहन पांडेय यूनिवर्सल सुम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यूनिट 401 चौथी मंजिल यूनिट नंबर 401 शालीमार लोजिकस राणा प्रताप मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा थाने पर आकर लिखित दर्ज दिया गया था कि अभियुक्त अरविंद यादव और अमित शर्मा, गुरुदत्त दुरेजा और अरविंद श्यामबली यादव और अज्ञात श्रवण यादव सहित तमाम लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर और कुटची तरीकों से 7,39,753 रुपये की जमीन को भुगतान कराने वाले आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। थाना कंद्रापुर में फसल बीमा योजना के अंतर्गत फर्जी खतौनी दिखाकर कृषि बीमा अपने नाम कराने के प्रकरण में अरविंद यादव, जो हरैया कंद्रापुर का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। इस फर्जीवाड़े में
इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके गलत लोगों द्वारा कृषि बीमा हड़प लिया जाता था। मुकदमा अपराध संख्या 6/23 जो थाना कंदरापुर में कायम हुआ है, इसमें 8 वांछित हैं। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसानों को कुटरचित प्रकार से फसल बीमा दावों के भुगतान करने वाले गलत पंजीकरण कराकर लगभग 7,39,753 रुपए भुगतान कराने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए। बता दें कि कंदरापुर पुलिस ने वादी प्रवाहन पांडेय यूनिवर्सल सुम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यूनिट 401 चौथी मंजिल यूनिट नंबर 401 शालीमार लोजिकस राणा प्रताप मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा थाने पर आकर लिखित तरी दिया गया था कि अभियुक्त अरविंद यादव और अमित शर्मा, गुरुदत्त दुरेजा और अरविंद श्यामबली यादव और अज्ञात श्रवण यादव सहित तमाम लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर और कुटची तरीकों से 7,39,753 रुपये की जमीन को भुगतान कराने वाले आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। संत निराकारी मिशन द्वारा सोमवार को नगर के हरबंसपुर स्थित निरंकारी भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर को शुभारंभ DM विशाल भारद्वाज ने किया है। रक्तदान शिविर में 400 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया। निरंकारी मिशन ने मानव एकता दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में निरंकारी परिवार से जुड़े लोग रक्तदान के लिए मौजूद हैं। रक्तदान शिविर में लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। इस दौरान निरंकार मिशन के जोनल इंचार्ज रामजीत राम ने बताया कि 24 अप्रैल 1980 में बाबा गुरुबचन सिंह के शरीर को विरोधियों ने समाप्त किया। इस दिवस को बाबा हरदेव सिंह ने बलिदान एकता के प्रति समर्पित करते शहीदी दिवस के रूप में विशाल रक्तदान शिविर प्रारंभ हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानव का रक्त नालियों में नहीं, मानव की नाड़ियों में बहे, इसलिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कुल 400 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है। आप सभी अवगत हैं कि रक्तदान से बड़ा कोई और दान नहीं है, जो महादान है। और विभिन्न कारणों से जब हमें जरूरत पड़ती है तो आज जिन लोगों ने रक्त का दान दिया है, उस रक्त से चाहे कोई एक्सीडेंट में घायल हुआ हो या थैलेसीमिया या अन्य किसी बीमारी के कारण उसे रक्त की आवश्यकता हो, इस दान दिए गए रक्त से उसका जीवन बचता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सरकार की ओर से भी ये प्रयास होता रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्त का दान दें। और हमारी जो स्वयं सेवी संगठन है, जिसमें निरंकारी मिशन एक बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाता है, उनके द्वारा भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपने जो वॉलेंटियर्स हैं उनके माध्यम से हमारा सहयोग किया जाता है। समाज का हर व्यक्ति का दायित्व तो है कि वह जिस भी माध्यम से समाज के अन्य सदस्य का की सेवा कर सके, चाहे वो श्रमदान करके, जैसे आप लोगों ने पर्यावरण बचाने के लिए अपने श्रम का दान किया, या रक्तदान से, या जो मन के अंदर विकार उत्पन्न हो रहे हैं उसको आध्यात्मिक चिंतन और मनन के द्वारा, उससे हम एक दूसरे का सहयोग करें। ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता आज के हमारे समाज की है। मैं आशा करता हूँ कि निरंकारी मिशन ऐसे ही जन उपयोगी, समाज उपयोगी कार्यक्रमों को आगे करता रहेगा, और हम लोगों के स्तर से जो भी सहयोग अपेक्षित होगा, हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे सहयोग करने के लिए। आपने मुझे इस शुभ अवसर पर अपना परिचय देते, क्या नाम है? मेरा नाम रामजीत राम भारती, जोनल इंचार्ज नंबर 61। आज क्या कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है? आज संतनकारी मिशन की तरफ से पूरे भारतवर्ष में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। ये कैंप है मानवता के मसीहा सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह महाराज 24 अप्रैल 1980 को अपने
मानवता के कल्याण करते करते अपने नश्वर शरीर का प्रत्याग किए, उनको मानवता के हत्यारों ने गोलियों से छलनी कर दिया कि निरंकारी मिशन सूना हो जाएगा। लेकिन बाबा गुरुचंद जी महाराज ने इतना अपने एक एक बूंद का जो है ऐसा बलिदान दिया है जिसकी वजह से आज निरंकारी जगत में मानवता के कल्याण के लिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए, लिव एंड लिट लिव के लिए एक दूसरे को जीने का सहारा बनाते हुए खून नालियों में न बह करके नाड़ियों में बहे और मानवता का कल्याण हो, ऐसा निरंकारी मिशन का एक लक्ष्य है जो हमारे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने ये नारा लगाया था कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। अच्छा, कितने का लक्ष्य बनाया, क्या है आपका? यहाँ पे जो है संत निरंकारी मंडल ब्रांच हरबंसपुर के हमारे संयोजक महात्मा आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी साथ में खड़े हैं। इनका एक टारगेट जो है बताया कि इस साल जो है 400 से ऊपर यूनिट्स ब्लड डोनेट करने की संभावना है। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद निषाद। अच्छा, आज जो ब्लड डोनेशन चल रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहेंगे? उद्देश्य तो निरंकारी मिशन का है, मानव सेवा करना, और इस रूप में भी कि हम जागृत हो पाए, आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित हो पाए और सभी में निरंकार परमात्मा का नूर देखते हुए हम सबसे प्यार मोहब्बत कर पाए। आप देख रहे हैं कि जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है रक्तदान करने के लिए, ये इसी का परिणाम है कि कोई एक सभी में, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, सब में एक निरंकार प्रभु का दर्शन करते हुए सबके लिए सेवा का भाव उनके मन में है। और जैसा कि दास ने आपको पहले भी बताया कि अभी तक 12,47,337 यूनिट निरंकारी मिशन ने ब्लड का दान किया हुआ है, और आज जो ये सैलाब उबड़ा हुआ है जन सैलाब, जो रक्तदान करने के लिए आप लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, आज उम्मीद है कि ये 400 प्लस यूनिट रक्तदान यहाँ पर हो पाएगा। और उसके लिए सुबह से ये सेवा दल के हमारे अधिकारी भाई साहब संतोष सिंह जी संचालक जो है यहाँ के हैं, ये कल से ही लग करके ये सुंदर व्यवस्था बनाए हुए हैं। और सारे सेवा दल के डीएम साहब आए थे क्या? हाँ, अभी आपने देखा कि हमारे बीच में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री विशाल भारद्वाज जी जिलाधिकारी आजमगढ़ उपस्थित थे, और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और ये उम्मीद जताई, आशा दी कि जब भी निरंकारी मिशन को हमारी जरूरत है किसी रूप में हम सहयोग के लिए तैयार हैं। तो हम दास तो और पूरे परिवार की ओर से, पूरे निरंकारी महात्माओं की ओर से परम पूज्य जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करता है, और इस व्यवस्था में लगे हुए जितने भी हमारे सेवा दल के अधिकारी भाई बहन, जितने भी संत लगे हुए हैं, सबका धन्यवाद करता है, और आप सभी का धन्यवाद करता है कि आप लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को एक सुंदर रूपरेखा। यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यह भारतवर्ष में ही है। भारतवर्ष में संपूर्ण भारतवर्ष के लोग कश्मीर घूमने आते हैं। आज टीवी 20 न्यूज के प्रधान संपादक अशोक वर्मा स्वयं कश्मीर की वादियों में घूमकर इस स्वर्ग का आनंद उठाया। आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, वह कश्मीर की वादियों व दल झील की ली हुई तस्वीरें हैं। प्रधान संपादक अशोक वर्मा ने टेलीफोनिक वार्ता के दौरान बताया कि अभी मुझे 4 दिन कश्मीर की वादियों में घूमना है। दर्शकों को फोटोज और वीडियो के माध्यम से यहाँ की जो भी तस्वीरें होंगी हम आपको दिखाने का और रूबरू कराते रहेंगे। क्या कुछ कहा अशोक वर्मा ने, सुनिए। मैं इस समय कश्मीर आया हुआ हूँ और फुर्सत के कुछ क्षणों का आनंद लेते हुए डल झील में मैंने यहाँ का सुंदरतम नज़ारा देखा। जो लोग कहते हैं कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है, और आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से इस नज़ारे को देखा। एक बात सत्य है कि हर जगह फोर्स और सुरक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, लेकिन पर्यटकों के आने जाने में कहीं कोई कमी यहां नहीं दिख रही है। डल झील से अशोक वर्मा, TV20 न्यूज। खबर आजमगढ़ से है, जहां मातृ एवं शिशु दर को कम करने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाया है। अभी तक महीने में 2 बार आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस यानी कि PMMA दिवस पर अब हर माह 4 बार आयोजित किए जाएंगे। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी ने बताया कि मातृ एवं शिशु दर को कम करने के लिए सरकार का नियंत्रण प्रयास जारी है। अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण योजना को सफल बनाने एवं इसका लाभ गर्भवती एवं शिशु को मिल सके, इसके लिए शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर दिवस का आयोजन कर लाभान्वित किया जा रहा है। अब इस अभियान के विस्तार के लिए शासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि अब हर माह की 1 और 16 तारीख को PMS दिवस आयोजित किया जाए, साथ ही पहले से 9 तारीख को PMSMA
दिवस का आयोजन ब्लॉक स्तरीय चिकित्सकों इकाइयों पर मनाया जाएगा। इसके साथ ही अब हर माह की पहली 16-24 तारीख को FRU स्तरीय जिला महिला चिकित्सालयों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर PMSMA दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लिया है कि PMAMS अभियान के दिवस का विस्तार कर महीने में 4 बार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के जीनपुर नगर पंचायत जीनपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेश चौहान ने नामांकन किया, अध्यक्ष पद पर जीत का दावा भी किया। सोमवार को सगड़ी तहसील पर राजेश चौहान ने हजारों समर्थकों के साथ जोश खरोश से नामांकन किया। नगर पंचायत जीनपुर से अध्यक्ष पद पर परचम लहराने का राजेश चौहान ने जीत का दावा किया। वहीं राजेश चौहान ने कहा कि अगर हमें जनता मौका देती है तो विकास ही विकास करेंगे। आपका पर्चय? मेरा नाम राजेश चौहान है। आज आपने नामांकन किया, क्या कुछ चाहिए जनता से? मैं जनता से यही कहूंगा कि नगर पंचायत जीरपुर की सम्मानित जनता से ये कहूंगा कि आप एक अच्छे प्रत्याशी को वोट करें और अपने नगर के विकास के लिए अच्छे प्रत्याशी का चयन करें। अब तक जो भी नगर पंचायत 35 सालों से जो भी काम हुआ है, सारे काम अधूरे पड़े हैं, और एक बार आप आम आदमी के पार्टी झाड़ू पर निशान लगाए और अच्छे व्यक्ति का चयन करिए और जीएनपुर का विकास करिए। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या क्या तस्वीर रहेगी? मुझे मौका मिलता है सर तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे धोबी का धोबी घाट नहीं बना, बहुत से नाली पटिया नहीं हुए, बहुत ही मोहल्ले में रास्ते जर्जर हैं, और सब्जी मंडी का अभी काम नहीं अधूरा है, और चौक पे टैक्सी स्टैंड है, और बहुत सारे समाज की समस्या है, ये सारे मुद्दे मैं हल करूंगा। अच्छा, क्योंकि अब देख रहे हैं कि आपके सामने कई प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं और अपना अपना सब ताकत झोंक रहे हैं, ऐसे में आप मतलब कितना मतलब? देखिए, मुझे नगर पंचायत जीएनपी की सम्मानित जनता पर पूरा भरोसा है और मैं उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे सम्मानित जनता ने कहा है कि आप जैसे व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। खबर आजमगढ़ से है, जहां जीनपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बसपा प्रत्याशी निहाल मेहंदी ने समर्थकों के साथ किया नामांकन, जीत की भरी हुंकार। आपको बता दें, सोमवार को नगर पंचायत नामांकन के अंतिम दिन बसपा प्रत्याशी निहाल मेहंदी ने समर्थकों के साथ उत्साहपूर्वक बसपा से जीएनपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पर दावा ठोका। वहीं इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत का दावा भी किया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में बसपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता, नगर पंचायत के लोग मौजूद रहे। वहीं निहाल मेहंदी ने कहा कि जीएनपुर नगर पंचायत के विकास के लिए चुनाव मैदान में उतरा हूँ, बसपा कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव में जीत का दावा कर रहा हूँ। इस दौरान मुख्य रूप से सगड़ी विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार, विवेकानंद मिश्रा, आदिल अब्बास, फैसल खान, शांसा खान, रमाकांत चौहान, राजेंद्र सुफियान, कुरैशी अबुशाद, इमरान कुरैशी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आपका पर्चय? निहाल मेहदी। अच्छा, आज आपने नामांकन किया, क्या कुछ जनता? आज मैंने बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जीएनपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है, और मैं सभी जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो मैं हूं, और इस पे आने वाले चुनाव में विश्वास जताते हुए हमें अधिक से अधिक मात्रा में वोट करके विजयी बनाएं, ताकि विकास की एक गंगा बहाई जा सके। अगर आपको जनता मौका दे तो क्या करेंगे? जीएनपुर में, आपको मैं बता दूं कि जीएनपुर में एक कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है, बस 13 मई का इंतजार करिए, नतीजा आपके सामने होगा। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुत कम रिजल्ट रहा, और अब की बात निकाय चुनाव और आगे लोकसभा का चुनाव कैसे आप? देखिए, सीट निकलने एक दूसरा इशू है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ हर चुनाव में बढ़ा है। वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखिए तो बहुजन समाज पार्टी का हमेशा ग्राफ बढ़ा है। सीट कुछ 2-4, 10-20 वोटों से हार के कारण सीट हम नहीं निकाल पाए, लेकिन ग्राफ और वोटिंग परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी का बढ़ा है। आगामी चुनाव में, निकाय चुनाव में, बहुजन समाज पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है पूरे प्रदेश में, और इसके परिणाम स्वरूप आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव में हम मजबूती से निकाल के हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे। इसके बाद पहली प्राथमिकता विकास का क्या होगा? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो बहुत बड़ा है, आज मैंने नामांकन कर दिया है, मेरा घोषणा पत्र तैयार है,
और मैं जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर के वासियों को अपना घोषणा पत्र दिखाऊंगा और तब जारी करूंगा। खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन नगर पंचायत जियनपुर में भाजपा प्रत्याशी मंजू राय ने अनेक समर्थकों के साथ नामांकन किया, वहीं जीत की हुंकार भरी। सोमवार को सैकड़ों समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ नामांकन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर उत्साह का प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी संगठन सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी मंजू राय ने नामांकन में शामिल होने आए देवरिया के सांसद रमापति राम ने बताया कि आज जो परिस्थिति है और से उसे साफ जाहिर होता है कि भाजपा प्रत्याशी की ही जीत होगी। वहीं भाजपा काम को लेकर जनता के बीच जाएगी। हम जनता को बताएंगे कि हमने काम किया है, आगे भी करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता हमें पूरा स्नेह मिलता है और मिलता ही रहेगा। वहीं भाजपा प्रत्याशी मंजू राय के पुत्र अभिषेक राय ने कहा कि सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर भाजपा काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मकान दिया तो हिंदू मुसलमान दोनों को दिया, राशन दिया तो सभी को दिया, यदि शौचालय दिया तो सभी लोगों को बिना भेदभाव के साथ दिया। ऐसे में पूरा भरोसा है कि हम जीत कर आएंगे और दिखाएंगे। इस दौरान अजमतगढ़ प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा, पिंटू हरिया प्रमुख प्रतिनिधि संतोष सिंह, भाजपा नेता संतोष सिंह टीपू, संदीप सिंह, विकास राय, रितेश यादव, निर्भय सिंह, सत्यम चौबे आदि लोग मौजूद रहे। प्रथम मैं अपने जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और माता जी को प्रत्याशी बनाया गया है नगर पंचायत जीएनपुर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और किसी भी दशा में किसी भी रूप में हम लोग यहाँ से जीत सुनिश्चित करके माननीय योगी जी के माननीय जिला नेतृत्व के झोले में डालेंगे। देखिए मुद्दा यहाँ विकास का है, सर्वप्रथम मुद्दा विकास का ही है। जो नगर पंचायत पिछले 10 सालों से 15 सालों से, या ये कह लीजिए कि इससे पहले जब टाउन एरिया बना तो सिर्फ में सर्वप्रथम जो नेतृत्व रहा भारतीय जनता पार्टी का, कुछ बहुत अच्छे चेयरमैन यहाँ पे हुए, उसके बाद से जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है हमारा नगर पंचायत जीएनपुर, उस मूलभूत सुविधाओं को नगर पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना, जो हमारे माननीय योगी जी का और मोदी जी का भी यही ध्येय है कि किसी भी सुविधा को इस प्रदेश के अंतिम नागरिक तक पहुँचाने का जो ध्येय है उसको हम पूरा करें। कोई बागी तेवर नहीं है, सभी लोग अपने हैं और सब लोग हमारे गार्जियन हैं। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मांग रहे थे, हम सभी लोग एक हैं और हम सभी लोग मिल करके नगर पंचायत में नगर पंचायत की सीट को जीतने का प्रयास करेंगे। कमल खिलाएंगे, बिल्कुल किसी कीमत पर कमल खिलाएंगे। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील इकाई मेहनगर आजमगढ़ की मासिक बैठक आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडे और तहसील अध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव की देखरेख में परमानपुर पत्रकार कार्यालय पर संपन्न हुई। इसमें पत्रकारों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा की गई। इसमें यह भी चर्चा की गई कि सभी पत्रकार बंधु नियमानुसार निर्भीक होकर के अपने कार्य को करते रहें। इसमें किसी भी तरह की कोई अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है और किसी के द्वारा कोई अत्याचार पत्रकारों पर किया जा रहा है तो यह हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने बताया कि हमारे पत्रकार साथी समाचारों का संकलन नियमानुसार करें और अपने आईडी कार्ड के साथ ही समाचार संकलन करने जाएं। वहीं तहसील अध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील मेहनगर के सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि वह समाचार संकलन करने जब भी जाएं तो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का अवश्य पालन करें और इसके अंतर्गत किसी भी तरह की कोई समस्या अगर होती है तो हमारा संगठन सदैव पत्रकार साथियों के साथ दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। इस अवसर पर उपाध्यक्ष तहसील मेहनगर दीपक सिंह, गणेश गुप्ता, आफ्ताब आलम, एसएन तिवारी, उमेश पांडे, डॉक्टर रामसुंदर गौड़, सोनू सिंह, विशाल सिंह आदि पत्रकार मौजूद रहे। एसोसिएशन का एक मुख्य मोटो होता है, तो आपके एसोसिएशन का क्या ऐसा मोटो है कि जिसपे आप बारीकी से काम कर लेते हैं? हमारे संगठन का बस एक उद्देश्य है कि हमारे पत्रकारों का कहीं उत्पीड़न ना हो। हमारे संगठन में जितने भी पत्रकार हैं उनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अगर किसी के द्वारा की गई, किसी संबंधित अधिकारी या किसी के द्वारा की जाएगी तो हमारा संगठन चुप नहीं बैठता है और उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ता है। भाजपा प्रत्याशी की नामांकन जुलूस में उमड़े लोग, भारी संख्या में नगर पंचायत का किया भ्रमण। बता दें कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर नगर पंचायत अतरौलिया में भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद को टिकट दिया गया है। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने काफी खुशी है। वहीं आज नामांकन जुलूस में भारी संख्या में लोग तहसील परिसर के लिए अतरौलिया से रवाना हुए। भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद ने बताया कि देश के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नगर पंचायत अतरौलिया से कमल की जीत दिलाने में पूरी जनता मेरे साथ है। इस बार परिवर्तन के साथ नगर पंचायत में कमल खिलेगा,
विकास के जो कार्य पिछले 20 वर्षों में नहीं हो पाए हैं उस कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए नगर पंचायत की जनता सहयोग के लिए पूरी तरह से मेरे साथ है। आज सुनाते हैं कि भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद उर्फ राजू ने क्या कुछ कहा। भाजपा के अध्यक्ष किशन ने आपको अटोलिया का टिकट दिया, आज आप नवाका करने जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम पर भरोसा जता करके इस नगर पंचायत अतरौलिया से लड़ने के लिए हमको टिकट दिया है और जनता बिल्कुल हमारे साथ है और हम इस 20 साल से चले आ रहे सूखे को हरियाली में बदल देंगे, अब की बार यहां पर कमल अवश्य खिलाएंगे। क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव? मुद्दा यहां का है कि यहां की सड़कें सही नहीं हैं, जो भी RCC रोड बना हुआ सब टूट गया है, GDIC स्कूल से लेकर के बब्बर चौक तक जो रोड आता है पूरा गड्ढा हो गया है और जरा सा भी अगर बरसात होती है तो नाले में तब्दील हो जाता है, जिससे सभी शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों को आने में बड़ी दिक्कत होती है। और दूसरा रोड जो है नगर पंचायत अतरौलिया के कार्यालय से होते हुए दुर्गा मंदिर की तरफ जो जाता है, ये भी जगह जगह लगता है कि नाली हो गया है, उस पर चलना दुभर हो गया लोगों का। और इस मार्केट में कोई शौचालय की सुविधा नहीं है, इतनी बड़ी बाजार है, दूर दराज से लोग बेटी बहन बेटियाँ आती हैं तो शौच करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। यदि हम यहाँ के चेयरमैन बनते हैं तो सर्वप्रथम इस व्यवस्था को पहले उठाएंगे और शौचालय का अवश्य निर्माण कराएंगे उचित जगह देखकर। लगातार यहाँ पे सपा करा रहा, कैसे उसको कैसे भेज पाएंगे, कैसे जीत हासिल करेंगे? हमारी जनता जो है बिल्कुल हमारे साथ है, क्योंकि पिछले 10-15 साल के कार्यकालों में इन्होंने कुछ कार्य नहीं किया है जिससे कि अतरौलिया का विकास हो सके है, इसलिए जनता बिल्कुल हमारे साथ है और हम पर विश्वास जताई है और हमको जनता ही उठाई है, इसलिए हम अब की बार यहाँ से कमल अवश्य खिलाएंगे। भाजपा में टिकट न मिलने से नाराज दावेदारों ने शुरू की बगावत, कह रही बड़ी बात है। बता दें कि देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत अतरौलिया से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, ऐसे में पुराने दावेदारों ने बगावत शुरू कर दी और निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया। 2017 में चुनाव लड़ चुके दिनेश मदेसिया ने बताया कि पार्टी के लिए दिन रात एक करके मेहनत किया, तन मन धन से पार्टी में रहकर सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह से अपमानित किया गया, इस तरह से मुझे किनारे करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से था, पार्टी नेताओं की तरफ से बोला गया कि दिनेश मदेसिया गरीब है, ये चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गरीब चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने नगर अध्यक्ष के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ मेरे द्वारा विकास के मुद्दे को लेकर जनता की आवाज़ उठाई गई, जुल्म तानाशाही भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई और आज मुझे पार्टी द्वारा अपमानित कर बाहर किया गया, जिसके कारण मुझे निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन के लिए मजबूर किया गया। आने वाले चुनाव में गरीब के साथ खड़ी जनता इसका जवाब देगी। जनता 13 मई को सबक सिखा देगी कि यहाँ का मतदाता भाजपा नहीं दिनेश मदेसिया के साथ खड़ा है और वह दिन अब दूर नहीं। आइए सुनाते हैं कि दिनेश मदेसिया ने क्या कुछ कहा। नगर पंचायत अतरौलिया से आप भाजपा का समर्थक, भाजपा ने अपनी कैंडिडेट घोषित कर दिया, आपको टिकट, आप निर्दलीय फॉर्म भरने जा रहे हैं, क्या है मुद्दे, क्यों आप भरने जा रहे हैं इसके बारे में? इसके पहले मैं भाजपा में 2017 में चुनाव लड़ चुका हूँ, भाजपा से मैं भाजपा में भरपूर काम किया, उसके अनुसार जितने भी काम हुआ भरपूर काम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, तन मन धन से भी पार्टी के में सक्रिय कार्यकर्ता था, दिन रात एक किया था, लेकिन इसके बावजूद भी 2023 के चुनाव में भाजपा ने जिस तरह मुझे अपमानित किया, जिस तरह मुझे एक साइड करने का प्रयास किया, क्योंकि मैं गरीब था, दिनेश मदेसिया के उन्हें बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से दिनेश मदेसिया गरीब है, ये चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो क्या गरीब आदमी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब आदमी के पास बोलने की ताकत नहीं है? अगर पैसा वाला के पास आ कोई बता दे, कोई किसी का चेयरमैन सुभाष जायसवाल जो है यहाँ के सपा के प्रत्याशी, किसी भी जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ एक शब्द कोई आवाज़ उठाया है? कोई पैसे वाला नहीं उठाया, बल्कि गरीब आदमी आवाज़ उठाया है, गरीब आदमी आवाज़ उठाने का काम किया और उसका नाम है दिनेश मदेसिया, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, जुल्म के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला केवल दिनेश मदेसिया है, गरीब आदमी लड़ाई लड़ा है, पैसे वाले कोई बता दे आज तक कोई उनके खिलाफ लड़ाई लड़ा है, चाहे भाजपा के प्रत्याशी हो चाहे बसपा के प्रत्याशी हो, किसी के अंदर एहसास नहीं है कि सुभाष चंद्र जायसवाल के तानाशाह के खिलाफ, यहाँ के खिलाफ, यहाँ के जुल्म के खिलाफ, यहाँ के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का साहस नहीं है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपमानित करके पार्टी से निकाला है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह मुझे अपमानित करके निकाला है, उसका जवाब 2000 आने वाले चुनाव में 11 तारीख को पड़ेगा, 13 तारीख को निर्णय होगा, एक जनता उनको सबक सिखा देगी कि यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता
दिनेश मजेसिया के साथ है, न कि बीजेपी के प्रत्याशी के साथ, भाजपा के नेताओं के साथ ही नहीं है। ये अपराध पूर्ण बहुमत के साथ जिताने का प्रयास करेंगे। इसका रिजल्ट 13 तारीख को आप देख लीजिएगा कि इसका रिजल्ट क्या रहा है। फॉर्म भरने जा रहे हैं बेशक, यहाँ पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपमानित करके निकाल बाहर किया, एक तरफ एक तरफा निर्णय लिया, ना यहाँ का कोई मीटिंग कराए, ना यहाँ पर कोई सर्वे कराए। मैं तो यहाँ तक चैलेंज किया कि दंग में अगर साथ देश मध्यसिया के पक्ष में समर्थन में आएंगे, मुझे टिकट दीजिएगा, नहीं तो अनसर टिकट मत। चुनाव लड़े थे, क्या है मेन मुद्दे यहाँ के? क्या है यहाँ के मेन मुद्दा? है भ्रष्टाचार का मुद्दा, विकास का मुद्दा, जल कल का मुद्दा और बिजली की मुद्दा। खंभे पर जितने भी अधिकतर देखेगा 80 खंभे जो है उस पर तार नहीं है, बल्ब लगने की बात अलग है, न तार न बिजली है, 80 खंभा बेकार पड़ा हुआ है। चुनाव लड़ेंगे? मैं यहाँ विकास के मुद्दे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। 20 साल में जो सपा के प्रत्याशी जो काम नहीं किया है। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन महाराजगंज अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से प्रत्याशी श्वेता जायसवाल पत्नी डॉक्टर सुनील जायसवाल ने नामांकन किया। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी ने सर्वप्रथम बाबा भैरवनाथ का पूजन अर्चन किया और पूरे नगर पंचायत के नागरिकों का आशीर्वाद लेने के लिए अपने समर्थकों के पैदल भ्रमण किया। उनके कार्यक्रम में नगर की जनता की भारी भीड़ देखने को मिला। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता भी शामिल हुए। गोपालपुर विधानसभा से भाजपा से प्रत्याशी रहे सत्येंद्र राय की अगुवाई में नामांकन यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह, गुलाब सिंह, चुनाव संयोजक भूपेश मिश्र, मंडल अध्यक्ष लालचंद यादव सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी पति सुनील जायसवाल सहित वरिष्ठ नेताओं ने पंडित लक्ष्मीकांत मिश्र की प्रतिमा का माल्यार्पण कर नमन किया और कस्बेवासियों से अपनी जीत के लिए समर्थन मांगा। बलिया पुलिस ने सर्विलांस सेल द्वारा गुमशुदा कुल 62 मोबाइल जिसकी कीमत 10,53,000 रुपये बताई जा रही है रिकवर कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया है। पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी के पर्यवेक्षण में जनपद बलिया के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत आमजन के गुम हुए मोबाइलों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक बलिया के आदेशानुसार पुलिस कैंप कार्यालय पर गठित मोबाइल रिकवरी सेल द्वारा लगातार अथक प्रयास के फलस्वरूप विभिन्न जगहों में से कुल 62 अदद मोबाइल को बरामद कर संबंधित मोबाइल स्वामियों को बुलाकर पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा उन्हें सुपुर्द किया गया। क्या कुछ कहा बलिया पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने, सुनिए। किस तरीके की मोबाइल की गई? देखिए, विभिन्न समय पर जनपद बलिया में जिन लोगों के द्वारा के मोबाइल खो जाते हैं, अन्य मोबाइल संबंधी शिकायतें आती हैं, उन सबको सर्विलांस के माध्यम से लगातार ट्रैक करके हमारी कोशिश रहती है कि उनके मोबाइल उनको वापस दिलवाए जाए। इसी क्रम में लगातार चल रहे प्रयासों के क्रम में जनपद बलिया पुलिस के द्वारा 62 ऐसे मोबाइल जो विभिन्न लोगों के समय समय पर खो गए थे या चोरी हो गए थे उनको रिकवर किया गया है। इस संबंध में इन सभी मोबाइल्स की अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपये है। इस संबंध में जो मोबाइल के मोबाइल स्वामी हैं उन सबको बुला करके आज उनके मालिकों को मोबाइल सुपुर्द किए जाएंगे और जो भी संबंधित केस है उस केस में जो मोबाइल हमारे केस प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से आगे की हमारी विधिक कार्रवाई जो है वो चलेगी। सर, इसमें कोई